हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं सेमे आलू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार ये वाली जो सेम है, एकदम डार्क ग्रीन कलर और जो गोल मटोल सी दिख रही है, ये इस तरह से एक बार आप लिए देखकर, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद करना क्या है, ये ऊपर नीचे से इस तरह से आपको ये हटा देना है और बाद में इसको छोटा छोटा काट लेना है। तो बनाते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड कॉमेंट कर दिएगा। तो सबसे पहले हमने ये इस तरह से इसका ये निकाल दिया है और इसको कट कर लेना है छोटा छोटा। उसके बाद ये जो सेम है, पहले हम ऑयल गर्म करेंगे। एक मीडियम साइज़ का चम्मच हमने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हमने 3-4 लाल साबुत मिर्च जिसको छोटा छोटा काट लिया है, और आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाएगा तब हमें यहाँ सेमे डाल देनी है। और आलू को ना बहुत छोटा छोटा काटना है, ये चीज़ याद रखना है कि सेमों के साथ में आलू भाई नहीं डालने हैं। इससे क्या होता है, आलू ज़्यादा गल जाते हैं। आप पहले सेमों को अच्छे तरह से पूरा 80% तक गला लीजिए, मतलब ये पूरी भी गल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप आलू डालोगे तो बस 2-3 मिनट लो फ्लेम पर लगेंगे, छोटे छोटे आलू काट कर डालने, आलू आराम से गल जाते हैं। अब करना क्या है, यहाँ हमें साथ में ही हरी मिर्च और नमक ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च नमक ऐड कर लिएगा। उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेना है और इसे कवर करके हम करीब 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। पहले 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर फटाफट इसको ऑयल में अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, और बाद में इसे लो फ्लेम पे कवर करके 2-3 मिनट लगाएंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा सेमे गल जाएंगे और बाद में हम यहाँ आलू को छोटा छोटा काट कर इसमें डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 आलू लिए थे और सेमे जो है 250 ग्राम। बाद में लो फ्लेम पे आलू को भी गला लेना है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। और जब आलू अच्छे से गल जाए ना, तब देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि अगर इसमें हल्का सा कच्चापन है सेमों में तो और थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद बस ये सेमे आलू बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार से। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।